और हमारी पूरी टीम यानी कि चायशाला की पूरी टीम निकल चुकी है अपने सफर पर। और आज हम आपको जहां लेकर जाने वाले हैं वो है अंकित केसरवानी की चाय की दुकान, जहां पर आपको पता है लोग उनके चाय के ऐसे दीवाने हैं कि उनका हाथ चाय बनाने से नहीं रुकता और लोग उनकी चाय पीने से खुद को रोक नहीं पाते। ये तो बस लोगों का प्यार है, जो चाय उनको अच्छी लग रही है। अलग आता है तभी लोग यहाँ लाइन लगा के शाम को आते हैं पीने। अब इसमें कुछ खासियत है, कुछ अच्छा डालते हैं, कुछ ऐसा डालते हैं कि आदमी दौड़ा चलाता है। भैया में भी खासियत, भैया का नेचर बहुत अच्छा है और चाय भी बहुत अच्छी बनाते हैं, महंगी चाय से ही बनाते हैं। तो चलिए हम भी चलते हैं अंकित केसरवानी के हाथों की चाय पीने और साथ ही साथ उनको थोड़ा करीब से जानने। चलिए, चाय पहले मेरे पापा का बिजनेस था ये। हमने किसी समय 40 पैसे की चाय बेची है पी रोड में। 82 में अरफाज स्कूल के सामने, वहाँ पे जो मार्केट है वहाँ के पुराने दुकानदार मेरे नाम को जानते हैं। लक्ष्मण दास केशवानी नाम है, लोग मुझे लक्ष्मण भैया के नाम से जानते हैं। तो दो जनरेशन से ये जिस किस तरह से चाय का व्यापार चला आ रहा है ये तो आपने जान लिया। ख्वाहिशें तो बहुत है, मुझको घूमना फिरना पसंद है, मुझको हिल स्टेशन वगैरह माउंटेन्स ये सब देखना पसंद है। जी के बारे में भी जान लिया और उनके पिताजी से इस व्यापार के बारे में भी जान लिया। तो चलिए जरा आप इस चाय के इतने गुणगान सुन लिए, अब जरा चाय भी चख के देखते हैं, स्वाद लेकर देखते हैं कि किस तरह से ये चाय बनाते हैं, क्या जादू है इस चाय में, और उसके साथ ही इसकी मेकिंग भी दिखाएंगे आपको कि किस तरह से अंकित जी इस स्वादिया चाय को बनाते हैं। तो चलिए ये चाय स्पेशल जो भैया की है वो हमारे हाथ में आ चुकी है और जैसे कि भैया ने बताया कि इसमें मोहिनी चाय पत्ती का स्वाद जाता है, उसमें तड़का लगता है अदरक इलायची का। तो चलिए हम भी जरा टेस्ट करते हैं और जिस पकी हुई चाय का स्वाद कैसा है जिसके सब दीवाने उसे चख के बताते हैं। वाकई क्या कहने, इतनी गर्मी में भी अगर ऐसी चाय मिल जाए जो आपको रिफ्रेश कर दे तो इसके कुछ कह ही नहीं सकते। और अगर आपको भी ऐसी ही चाय का स्वाद लेना है साथ में मोहिनी का जो ये ढाबा स्टाइल भैया ने बनाई है चाय, आप देख सकते हैं और बेचने के लिए भी रखी हुई है और काफी समय से भैया इस चाय को बनाते आ रहे हैं, तो ये भी बड़ी खासियत है। तो चलिए हम आपसे मिलते रहेंगे नई चाय के साथ। अभी जरा मुझे फुर्सत दीजिए क्योंकि ये चाय फुर्सत के लम्हों वाली है, तो फुर्सत में हम इस चाय का आनंद लेंगे। के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लोकल वोकल पर हमारा खास प्रोग्राम चायशाला। और हाँ, आपका फुर्सत का जो लम्हा होता है वो कौन सा होता है और उसमें किस तरह की चाय आपको पसंद आती है कमेंट करके कमेंट के बॉक्स में जरूर बताइएगा।